अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास नाइन्थ का फोर्थ पैराग्राफ सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन होता है बैरूनी ख़तरा, बाहर के मुल्क का ख़तरा। अलर्ट होता है चुकन्ना रखना, मतलब तैयार रखना। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। गैर मुल्की हमले के नतीजे में हब्बल वतनी का जज्बा हमें चौकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन पीपल ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देर आर मैनी इंस्टेंसेस, यहाँ बहुत सी मिसालें हैं, व्हेन पीपल ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, जब लोगों ने अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। इन द वार ऑफ 1965-1971 एंड द कारगिल वार 1965-71 और कारगिल की जंग में मैनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने मुल्क की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान कर दी। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सरवर मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान, ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टिरडम व्हाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड। इन सब ने अपने मुल्क के लिए फाइटिंग फॉर ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, अपने मुल्क के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को कबूल किया। ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर। वो सब, इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, पाक फौज का सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा तमगा, गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स हू लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जो कि उन मोहब्बत वतन को दिया जाता है, उन वतन से मोहब्बत करने वाले को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जान के कुर्बान करते हैं, जान की कुर्बानी देते हैं। और नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ देखें चैप्टर का। पैट्रियटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग। मोहब्बत वतन, मोहब्बत वतनी सिर्फ इसलिए एक एहसास ही नहीं, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन, बल्कि ये एक जिंदा जोश और वलवला है जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता रहता है और उनकी रहनमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट, अ मैन डिवाइड ऑफ पैट्रियटिक स्पिरिट्स इज लाइक द वन हु, और एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में जो में एक आदमी जो इज लाइक द वन हु जो वतन जो हब्बुल वतनी से महरूम होता है, डिवाइड ऑफ पैट्रियटिक स्पिरिट्स वतन से मोहब्बत के जज्बे से महरूम होना, इज़ लाइक दैट वन हु बिल्कुल उस तरह होता है कि ब्रीथ देयर द मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सैड दिस इज माय ओन एंड माय नेटिव लैंड। जो आदमी के उस आदमी से होता है जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी होती है कि उसने खुद से ये कभी नहीं कहा कि ये मेरा अपना वतन है, ये मेरी अपनी अर्ज या सरजमीन है। तो ये आज का हमारा लेसन था, इसकी थीम भी देख लें। द यूनिट इज़ अबाउट द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, इट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द पैट्रियट एंड हाउ पैट्रियट्स लुक आफ्टर द इंटरेस्ट्स एंड द प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री, कि ये मजमून जो जज्बा वतनी है, मोहब्बत वतन के बारे में है, ये हमें एक मोहब्बत वतन की खूबियों के बारे में बताता है कि वतन से मोहब्बत करने वाले किस तरह अपने मुल्क की मफाद और तरक्की की निगरानी करते हैं। यह आज का लेसन था और इंशाल्लाह जो कि हमारा लेसन सेक्शन पूरी चुका है, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।